हेलो सभी लोगों को, मेरा नाम विनय है। यूट्यूब पे बनाए मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का थंबनेल जैसे कि आपने पहले ही देख लिया होगा, हैमिल्टन मसाकाड्जा। जब भी नाम सुने लगता है सुना सुना सा है। मात्र 17 साल की उम्र में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 119 रन ठोकर डाले, वो भी अपने डेब्यू मैच में, और वेस्ट इंडीज़ को जीत की महक से दूर कर मैच को सफलतापूर्वक ड्रा करा दिया। उम्र कम होने के कारण इनको पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ता था, जिससे इनके क्रिकेट के खेल पे भी प्रभाव पड़ा। लेकिन चयनकर्ताओं को इन पे थोड़ा विश्वास सा हो गया था, इसलिए इन्होंने इनकी पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार किया। फिर जब वो वापस आए तो इनका मुकाबला इंग्लैंड से था। शुरुआती के कुछ मैचों में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी के मैच में 50 ठोक डाला। चयनकर्ताओं का विश्वास थोड़ा और बढ़ा। लेकिन जैसे कि हर खिलाड़ी के दौर में एक ऐसा दौर जरूर आता है कि उसकी आलोचना जरूर होती है, इनका भी हुआ। साल 2008-09 में इनको धीरे खेलने के लिए स्ट्राइक रेट यानी कम होने के कारण इनकी बहुत आलोचना हुई। फिर मैच था केन्या से, इनको टीम में लिया गया। भले ही इनकी आलोचना बहुत हुई, लेकिन टीम में लिया गया, और इन्होंने उस केन्या खिलाफ 178-156 रन की दो पारियां ठोक डाली और सबका मुंह जैसे बंद सा करा दिया। सन 2011 में इन्होंने अपनी दूसरी टेस्ट सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ लगाई, लेकिन फिर खराब फॉर्म के कारण 2011 वर्ल्ड कप से बाहर हुए। वे टीम से जरूर बाहर हुए थे, लेकिन हौसला बरकरार था। 2011 वर्ल्ड कप में दोबारा वापसी हुई, लेकिन कुछ मैच अच्छा करते, कुछ खराब, कभी अंदर कभी बाहर, लेकिन जब भी अच्छा करते जिम्बाब्वे के लिए बहुत सी यादगार पारियां खेलते। अपने अंतिम मैच में 71 रन की पारी खेल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जिताकर इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। धन्यवाद।